हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, ठीक। और उसी तरह से आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सब ऑर्बिट फ्लाइट के बारे में। अर्थात यह वीडियो भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि हर संडे सुबह जैसे क्लास ये आती है, इसी तरह से क्लास आती है जिसमें हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। मतलब हफ्ते में एक दिन संडे आपको मिलेगी गवर्नमेंट स्कीम और रात में 9 बजे लाइव सेशन मिलता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होता है। कब? संडे के दिन, ठीक। और प्रत्येक दिन सुबह आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड क्लास मिलती है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड मुद्दे क्लियर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सारी नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी आप लोगों को और विश्व लेवल पर यह जो वर्क हुआ है पहली बार हुआ है जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक। तो यह आपके यूपीएससी में कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्पेस से रिलेटेड है और साथ ही साथ एक फ्लाइट से रिलेटेड है जिसे सब ऑर्बिट फ्लाइट कहते हैं। देखिए, मुद्दे पर आते हैं और हम लोग बात करते हैं कि सब ऑर्बिट फ्लाइट है क्या, क्यों चर्चा में आई, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके माध्यम से गए, कहां पर गए, क्या वहां पर उन्हें अनुभव हुआ, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। क्योंकि यूपीएससी एकदम डीपली प्रश्न आप लोगों से पूछता है, वो डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा कि कौन सी फ्लाइट गई या फिर कौन से व्यक्ति गए, ठीक। इसमें जो 5 व्यक्ति थे, साथ ही साथ एक उसके हेड थे जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक, वो इसके हेड थे। उनके अलावा 5 व्यक्ति और गए थे जिनमें से एक हमारे भारतीय मूल की भी महिला थी जिनका जन्म इंडिया में हुआ था लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो ब्रिटिश में रह रही हैं। तो ये जो पूरी फ्लाइट गई है सब ऑर्बिट फ्लाइट ब्रिटिश के माध्यम से भेजी गई है, तो ब्रिटिश के ही लोग हैं और एक इंडियन इसमें शामिल है जो कि पैदा कहां हुई है, इंडिया में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में रह रही है कहां, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, सब ऑर्बिट फ्लाइट के बारे में। फ्लाइट तो बहुत सारी होती होंगी, आप लोगों को लगता होगा कि जो स्पेसक्राफ्ट वगैरह होते हैं ये सब फ्लाइट ही तो होते हैं एक तरह से, लेकिन ये स्पेशल क्यों है, इसके नाम के आगे देखिए क्या है, सब ऑर्बिट फ्लाइट। सब ऑर्बिट का मतलब यह होता है ऐसी फ्लाइट जो ऑर्बिट तक जाके वापस चली आए सकुशल। आप सबको पता होगा कि अगर कोई भी वस्तु आप लोग ऊपर फेंकेंगे और उसकी स्पीड कम से कम 28,000 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी, मतलब 28 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से अगर आप कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो यह पृथ्वी की ग्रेविटी से ऊपर निकल जाता है और ऑर्बिट में जाकर वहीं चक्कर लगाने लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारी सैटेलाइट वगैरह होती है, ठीक, ये कहां होती है, ये अर्थ के ऑर्बिट में होती है। मान लीजिए कि ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो ये इसका ऑर्बिट है इसके चारों तरफ, ठीक। यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है बहुत तेज हो जाती है, मतलब कि उस स्पेशल जगह पे, मतलब कि यहां पर उनका जो भार होगा वह शून्य हो जाएगा और ये पृथ्वी के गति के अनुसार उसके चारों तरफ घूमने लग जाती हैं। तो जो सैटेलाइट वगैरह होती हैं वो कितने 28,000 के किलोमीटर प्रति आवर्स के ज्यादा स्पीड से भेजी जाती हैं, तो वो ऑर्बिट में जाकर राउंड लगाने लगती हैं। लेकिन इसका नाम क्या है, सब ऑर्बिट फ्लाइट, मतलब ये ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे 28,000 किलोमीटर प्रति आवर्स से कम वेग से भेजा गया और ये कहां पर गया, जहां से ऑर्बिट स्टार्ट होता है, ठीक। अर्थ का ऑर्बिट जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसी के आउटर से ये आउटर पर गया और यहीं से वापस चला आया। ये अपने आप में साइंस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पृथ्वी के ऑर्बिट में जाकर वहां से वापस आना, ठीक। तो इसीलिए इसे बोलते हैं सब ऑर्बिट फ्लाइट। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से ऑर्बिट में प्रवेश नहीं किया था। इसमें जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जिस स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है उसमें जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वह ऑर्बिट में प्रवेश नहीं करते, हाँ थोड़े समय के लिए उन्हें अपने आप में भारहीनता का अनुभव होगा। इसमें जो 6 व्यक्ति गए थे उन्होंने क्या किया था कि कुल 85 किलोमीटर की हाइट पर गए थे, ठीक, कितने पर, 85 किलोमीटर, ठीक, 85 किलोमीटर ऊपर गए थे वो लोग, ठीक है। उसके बाद उन्हें 3 से 4 मिनट तक भारहीनता का अनुभव हुआ और वहां से ये लोग सकुशल पृथ्वी पर वापस आ गए। तो ये था पूरा का पूरा सब ऑर्बिट फ्लाइट। ऑर्बिट का आशय आप लोगों ने समझा, फ्लाइट का महत्व आप लोगों ने समझा। अब बात आती है कि यह फ्लाइट भेजने का पर्पस क्या हो सकता है। कोई ना कोई कार्य करने से पहले अगर इतना पैसा लगाया जा रहा है, कुछ तो स्पेशलिटी होगी इसमें जो यह ऑर्बिट पर जाके वापस आ गई है। क्यों? ऐसा तो है नहीं कि लोग केवल टूरिज्म करने घूमने गए थे वहां,
कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, तो इससे देखिए फायदा क्या क्या हो सकता है। स्पेस का टूरिज्म बढ़ सकता है, बड़े लोगों के चोचले, अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोलें अपने यूपी के लैंग्वेज में, तो बड़े लोगों के पैसे वालों के चोचले, ठीक। स्पेस घूमने का भी क्या चलता है, टूरिज्म चलता है, लोग स्पेस में घूमने जाते हैं, पता है, आप लोग गूगल करिएगा पता लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ क्या होगा कि जो एक्सपेरिमेंट कहां पर होता है, अंतरिक्ष स्टेशन, जो हमारा स्पेस स्टेशन बनाया गया है ना, जो 3 BHK फ्लैट टाइप का है, अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है, वह पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहा है स्पेस में, ठीक, उसमें लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट कहां पर, स्पेस स्टेशन पर किया जाता है, अगर इस फ्लाइट के माध्यम से जाके किया जाएगा तो उससे कम खर्चे में और कम समय में हो सकता है। तो दो चार ऐसी खूबियां हैं जो इसके माध्यम से प्रॉफिट होने वाला है। अब हम लोग पूरी तरह से मुद्दे पर आते हैं और जानेंगे, देखिए वीडियो का जो सार था, ठीक, समरी थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी कि इसमें हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, और मुझे लगता है कि मैंने 99% चीजें बोल दी हैं। अब हम लोग बोर्ड पर आएंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे, क्योंकि आप सबको मैं पहले बता चुका हूं कि मैं बोर्ड पर वही चीजें लिखता हूं जो फैक्ट के तौर पे हो, जो आप लोग नोट्स में लिखिए। मेरी पूरी पूरी कोशिश यही होती है, चाहे आप लोग पॉलिटी का क्लास देखें, चाहे इकोनॉमिक्स का देखें, चाहे जियोग्राफी देखें, चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखें, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखें, जितनी भी प्लेलिस्ट है ना, 8 से 10 प्लेलिस्ट होंगी, उन सब में मैं क्या करता हूँ, पहले चीजें एक्सप्लेन करके फिर उसे मैं नोट करता हूँ। मेरा पर्पज ये होता है कि आप लोग नोट्स प्रिपेयर करिए, जिससे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार रिवाइज करिए, सारी चीजें एक बार में आपको याद हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि आप सारी बुक पढ़ के जाएंगे। तो मैं ये पॉइंट इसीलिए लिखता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग इतना लिखें, कोशिश करिए इससे भी कम लिखें, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। मैंने क्या बोला था, मुझे ना कोई एग्जाम देना है ना किसी चीज की प्रिपरेशन है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूपीएससी में सेलेक्ट हो, ठीक। चलिए आते हैं पॉइंट पर। अब नाम याद रखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रिटिश प्रांत के हैं, मतलब ब्रिटिश देश के वर्जिन ग्रुप के संस्थापक, एक वर्जिन ग्रुप है उसके संस्थापक है कौन, रिचर्ड ब्रैनसन, ये प्रमुखता किए हैं। इनके साथ 5 अन्य व्यक्ति भी गए हैं जिनमें एक भारतीय मूल की हैं, सिरिसा बांदला, इनका नाम याद रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है सिरिसा बांदला से, ठीक है। देखिए क्यों, यहां मैंने लिखा है भारतीय मूल की, मतलब पैदा भारत में हुई लेकिन पली बड़ी है कहां पर, ये ब्रिटिश में, ठीक। तो ये भारतीय मूल की है सिरिसा बांदला, इनका नाम पूछा जा सकता है। किस रॉकेट से गए, जैसे इसरो के द्वारा कोई भी प्रक्षेपण किया जाता है तो उसमें क्या होता है, PSLV GSLV ऐसे भेजा जाता है ना रॉकेट, उसी तरह से ये जिस रॉकेट से गए थे ये लोग, उसका नाम है VSS, VSS, ठीक। स्थान, किस स्पेशल स्पेस से भेजे गए, या सॉरी प्लेस से भेजे गए, जैसे श्रीहरिकोटा, जैसे हम लोगों का है पंबन द्वीप, यहां वहां से भेजे जाते नहीं है, कहां से, आंध्र प्रदेश से ज्यादातर भेजे जाते हैं, ठीक। उसी तरह से न्यू मैक्सिको के स्पेस पोर्ट से यहां क्या किया था, रॉकेट उड़ान भरा था, ठीक। 1 घंटे जब इसने वहां से उड़ान भरी, ठीक है, तब से 1 घंटे के अंदर यह 85 किलोमीटर ऊपर गया और वहां से यह वापस भी आ गया 1 घंटे के अंदर। ऊंचाई कितनी थी जहां ये लोग गए थे, 85 किलोमीटर, 85 किलोमीटर। इन्होंने भारहीनता का अनुभव किया 3 से 4 मिनट, मतलब कि ऑर्बिट में मैंने आप लोगों को बताया ना, वहां यही होता है कि जो वस्तु होगी उसकी पूरी तरह से ग्रेविटी खत्म हो जाती है, भारहीनता हो जाती है, ठीक। लोग हवा में उड़ने लगते हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो वगैरह देखा होगा स्पेस स्टेशन का, तो वहां पर जो वैज्ञानिक हैं, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो हवा में घूमते रहते हैं, ठीक। उसी अपने 3 BHK का पूरा फ्लैट है वहां पर, ठीक, जो स्पेस स्टेशन के नाम से है, वो 3 BHK का फ्लैट है, लोग वहां रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक। तो क्या हुआ, 3 से 4 मिनट तक ये लोग भारहीनता का अनुभव किए। सब ऑर्बिट फ्लाइट क्या है कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से उड़ेगी और पृथ्वी पर वापस भी आ जाए, तो उसे बोलेंगे क्या, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से कम, यहां कम कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, से कम स्पीड में उड़े तथा पृथ्वी पर वापस आ जाए, उसे सब ऑर्बिट फ्लाइट कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो वहां में होते हैं उसमें, वो ऑर्बिट में प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंस के मैंने भी बताया ना कि अगर जो सैटेलाइट वगैरह भेजी जाती है वह 28,000 किलोमीटर प्रति आवर्स से ज्यादा वेग से या इस वेग से भेजी जाती है, तो सीधे ऑर्बिट में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है और वहां पर उसका भार होता है 0, तो जो रॉकेट होता है उसे वहीं पर छोड़ देता है, तो पृथ्वी के ऑर्बिट में वह राउंड लगाने लग जाती है, ठीक है।
तो ये हो गया कि कोई भी चीज या कोई भी फ्लाइट जो 28,000 किलोमीटर प्रति आवर के कम वेग से जाए और ऑर्बिट से वापस आ जाए उसे हम लोग बोलेंगे सब ऑर्बिट फ्लाइट। अंतरिक्ष यात्री ऑर्बिट में प्रवेश नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, महत्व मैंने जो अभी बताया, स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बड़े लोगों के चोचले जाएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, पैसे फूकेंगे, चले आएंगे, ठीक। माइक्रोग्रेविटी के रिसर्च में भी सहायता मिलेगी। अंतरिक्ष, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेंस में लिख सकते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन पर होने वाले एक्सपेरिमेंट की तुलना में सस्ता एक्सपेरिमेंट होगा। सही बात है, जो अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात स्पेस स्टेशन है हमारा, वहां पर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं अगर उसकी बजाय इसकी हेल्प लेकर वहां पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कम खर्चे में कम लागत में चीजें जल्दी हो जाएंगी। तो यह था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरा प्रयास इसी तरह से जारी रहेगा, आप लोग अपना प्यार इसी तरह से कमेंट्स करके देते रहें, खुशी मिलती है। तो अब हम लोग मिलेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में, और बात करेंगे किसके बारे में, इसी तरह से रिलेटेड किसी मुद्दे को, या फिर कल तो संडे होने वाला है, कल भूलिएगा मत, कल लाइव भी आ रहे हैं हम लोग रात में 9 बजे और सुबह आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो मिलेगी, ठीक, जैसा कि प्रत्येक संडे आप लोगों को मिलती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी और पेशेंस जरूर बना के रखेंगे। मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाला हूं 2 सब्जेक्ट की, ठीक, तो उसके लिए मैं पीडीएफ वगैरह तैयार कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ओबीएस पर पढ़ाने लग जाऊं। इस बोर्ड पर पढ़ाने से क्या होता है कि सारी चीजें एक जगह नहीं आ पाती है, जैसे कि पीडीएफ होगा एनसीईआरटी में, अगर पीडीएफ लेके चलेंगे तो पॉइंट कर करके आप लोगों को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसकी समरी देनी है, पूरी एनसीईआरटी में मैं वो पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जो लिखना है, ठीक। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।